तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में मैं आप सबको बोट एयरडॉप्स 161 ईयरबड्स को अपने दो डिवाइस के साथ एक टाइम पे कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लैपटॉप को भी देख सकते हो, इसमें हमारा जो ईयरबड है 161 ईयरबड कनेक्ट है। और वहीं हमारा दूसरी तरफ देखोगे तो यहाँ पे मोबाइल में भी हमारा जो बोट एयरडॉप्स 161 ईयरबड है वो भी कनेक्ट है। तो आखिर ये कैसे हुआ, क्योंकि आप सबको बोट एयरडॉप 161 ईयरबड में ड्यूल कनेक्टिविटी का फीचर तो मिलता नहीं है। तो आखिर मैंने इस ईयरबड को अपने दो डिवाइस के साथ कनेक्ट कैसे किया है, तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप सबको यही बताऊंगा कि कैसे आप सब अपने बोट एयरडॉप्स 161 ईयरबड्स को अपने दो डिवाइस के साथ एक ही टाइम पे कैसे कनेक्ट कर पाओगे। तो गाइज सबसे पहले तो आपको अपने बोट एयरडॉप्स 161 ईयरबड्स को अपने किसी भी मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि समझ लो मेरा जो ईयरबड है वो मेरे इस मोबाइल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमने करना क्या, सिंपल इस मोबाइल और एक ईयरबड्स को हमने चार्जिंग के साथ बाहर निकाल लेना और ये जो हमारा ईयरबड है वो मेरे इस ईयरबड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमने करना क्या, सिंपल इस मोबाइल और इस ईयरबड को एक साथ रख के हम यहाँ पे साइड में रख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको करना क्या, सिंपल इस ईयरबड को लेके जो हमारा चार्जिंग केस में है उसको अपने करना है क्या, सिंपल इसको ले जाके हमने किसी दूर एरिया में जाना है जो कि हमारे इस ईयरबड से दूर हो, यानी कि डिस्टेंस जो है कम से कम 10 से 15 मीटर दूर आपको जाना है। यानी कि आप अपने रूम से किसी और रूम में जा सकते हो जहाँ पे इसका रेंज ना आए। एग्जाम्पल के लिए आप घर से बाहर जा सकते हो, सड़क पे, रोड पे, कहीं पे भी, मतलब कम से कम आपको 10 से 15 मीटर की दूर में जाना है। उसके बाद आपको करना क्या, सिंपल आपको इसके चार्जिंग केस को ओपन करना है और ओपन करोगे तो आपका जो ईयरबड है वो ऑटोमेटिक ऑन होकर पेयरिंग मोड पे आ जाएगा। अब आपको करना क्या, सिंपल इसे अपने किसी दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट करोगे तो ये जो ईयरबड है कनेक्ट हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आप सब अपने बोट एयरड्रॉप 161 ईयरबड्स को अपने दो डिवाइस के साथ एक टाइम पे कनेक्ट कर पाओगे। तो गाइस अगर आप सबको बोट एयरड्रॉप 161 ईयरबड्स से रिलेटेड और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।